सो कैसे हो मेरे डाको। इफ इन केस मन में कीड़ा जाग कहा है एक एंड्रॉइड ऐप डेवलप करने का, लेकिन इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए चाहिए आपको एक कोडिंग लैंग्वेज। तो सबसे बढ़िया कोडिंग लैंग्वेज है कौन सी? तो मैं यहाँ पे आपको 5 लैंग्वेजेस का नाम बताऊंगा, आप किसी भी एक को सीख लेते हो काफी इनफ है। लेकिन फिर भी मन में 5 के पास सीखना चाहते हो तो काफी तसल्ली वाली बात हो जाती है, बिकॉज इस खाली दिमाग का क्या करोगे, 5 लैंग्वेज आती है, कुछ तो कर सकते हो। तो चलो बिना बेवकूफ करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जो नंबर 1 पे आती है, काफी पॉपुलर है, घर के किसी चुन्नू मुन्नू से पूछूंगी वो भी इसका नाम बता देंगी, दैट इज जावास्क्रिप्ट। इस लैंग्वेज की खोज स्पेशली करी गई थी एंड्रॉइड ऐप को डेवलप करने के लिए, और अगर आप इसे सीख रहे तो काफी आप पे उपकार वाला काम होगा। इफ इन केस नहीं सीखना चाहते, आपकी इस नाम से काफी ज्यादा दुश्मनी है, आपको ये नाम काफी अच्छा नहीं लगता बिकॉज हर कोई इसके ही माला जपता रहता है, तो आप कोटलिन भी सीख सकते हो जो कि जावास्क्रिप्ट का एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है। फिर भी आपकी इन दोनों में तसल्ली वगैरह नहीं बैठती तो आप C++ या फिर C# को भी सीख लेते हो। यार मैंने 4 का नाम तो ऑलरेडी बता चुका है, इतनी बढ़िया है, टॉप नंबर 1 पे लिस्टेड है, लेकिन फिर भी इनमें से कोई नहीं सीखना चाहते तो पाइथन को सीख लो। अब आप सोच रहे होंगे पाइथन से कैसे? नॉर्मली आप पाइथन के थ्रू किसी भी ऐप को डेवलप कर सकते हो, तो किसी भी कन्वर्टर के थ्रू जो कि आपका प्रोग्राम है उसे एंड्रॉइड पैकेज में डेवलप करके एंड्रॉइड में भी यूज कर सकते हो। तो ये थी कुछ 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी से सीख सकते हो एंड्रॉइड डेवलपमेंट का काम। सबसे जो कि थी प्रोफेशनल वाली जावास्क्रिप्ट, और सबसे लल्लू वाली पाइथन। लल्लू वाली नहीं है, कोई भी लैंग्वेज लल्लू वाली नहीं होती। कैसे? इस शख्स ने बोला थप्पड़ा मारो, हाँ दैट इज द राइट, और इसी की तरह थपेड़ा मारो नीचे की तरफ लाइक बटन पर ठोक दो लाइक, तो बाय बाय।